हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित में ही पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जो यीशु मसीह ने सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों में छिपा के रखा है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रस्ताव बढ़ाई करने के योग्य है। उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उद्धार हुआ है। अनंत काल का परमेश्वर ने हम सभी को जीवन दिया है, नाम लेके परमेश्वर ने बुलाया है। इसके लिए हम सभी लोग यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे। मेरे प्रियजनों, पिता इतना महान है, पिता इतना दयालु है, वो करुणा निधि परमेश्वर वो राजाओं को राजा है। यीशु मसीह ने हम सभी से इतना प्रेम किया, उसने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई, उसके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट गूंथ कर रखा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके 49 कोड़े लगवाए गए, 49 कोड़ों के साथ उसका मांस तक खींच कर चला तथा मेरे प्रियजनों, इतना दुख, इतना दर्द, इतनी पीड़ाएं यीशु मसीह ने हम सभी के खातिर ले ली। उसने हम सभी से इतना प्रेम किया कि उसने, यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, उसने साबित करके दिखा दिया। जो सजा हमें मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र यीशु मसीह में है। पहला यूहन्ना 5:11 में लिखा हुआ है, मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, मुझसे मांग, मैं तुझे गहरी गहरी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें ना तू अभी समझता है और ना जानता है। मेरे प्रियजन अब दुख में है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, गरीबी में है, बीमारी में है, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको यीशु मसीह से बताना है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बताने की आवश्यकताएं हैं। वो इतना महान परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मेरे प्रियजनों, हम सभी को यीशु मसीह के नाम से मांगना है। यदि हम सभी से पाप गलती गुनाह हुए हैं तो हम सभी को पिता से माफ़ी मांगना है, पिता हमारे पापों को गुनाह को क्षमा करेगा, ठीक है? कुछ बातें मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, इन बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? एक लोकप्रिय स्तुति गीत इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, जिस पल सबसे घिनौने पापी ने सच्चा विश्वास किया, उसी पल यीशु मसीह ने उसके सारे पापों को माफ कर दिया। क्या यह वास्तव में सच बात है कि सबसे घिनौने पापी सच्चे विश्वास से क्षमा प्राप्त कर सकता है? क्या यह जरूरी नहीं है कि सबसे पहले वो अपना मन फिराए? आप यह कह सकते हैं कि सच्चे विश्वास में मन फिराव भी शामिल होता है, लेकिन जब तक यह बात है कि इन्होंने पापी को समझाई नहीं जाएगी, तब तक वह इस खुशफहमी में, मतलब गलत फहमी में रह सकता है, क्योंकि उसने विश्वास कर लिया, इसलिए उसने नया जन्म पा लिया, और इस तरह से वह एक भ्रम में पड़ा रहता है, एक शंका में, एक भ्रम में पड़ा रहता है। जिस संदेश का स्वयं यीशु मसीह ने प्रचार किया था, वह यही था, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। उसने, यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी यही संदेश का प्रचार करने की आज्ञा दी थी। यीशु मसीह के चेले ने, यूहन्ना ने मन फिराओ का बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने मन फिराओ का प्रचार किया था कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ, मन फिराओ। मेरे प्रियजनों, हम सभी को मन फिराने की आवश्यकताएं हैं, हम सभी को मन फिराने की आवश्यकताएं हैं। वो इतना महान परमेश्वर है, हम सभी को पिता पर विश्वास करना है, किसी मनुष्य पर विश्वास नहीं करना है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ठीक है? मेरे प्रियजन, अब बीमार है, अगर दुख में, तकलीफ में है, बीमारी में है, गरीबी में है, तो किसी मनुष्य के आगे हाथ नहीं फैलाना है, हमें पिता से बोलना है। वो इतना महान पिता है, इतना परमेश्वर दयालु है, ठीक है? इस प्रार्थना को आंख बंद करके पूरा विश्वास के साथ सुनेंगे और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे। चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे पिता। मेरे प्रभु, आप महान हैं, मेरे पिता आप दयालु हैं, आप करुणा निधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की यहोवा है। मेरे यीशु पापा, जो आपने मेरे पिता हम सभी को, मेरे प्रभु, जीवितों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा, अपने पंखों के में छिपा के रखा है। मेरे प्रभु, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। यस हालेलुया, हालेलुया।
मेरे पिता कितने मनुष्य होंगे, अन्य जाति लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गएंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से पिता वे बिछड़ गएंगे पिता, वे एक ऐसे स्थान पर चले गएंगे पिता जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं मेरे पिता, जो आपने मेरे पिता हम सभी का पिता नाम लेके बुलाया है, उद्धार किया है, छुटकारा किया है, माता के गर्भ से चुना है, नाम लेके बुलाया है, प्रभु इसके लिए पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपकी तारीफ करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी जय जयकार करते। यीशु पापा जो हम सभी मसीह भाई बहनों से पाप गलती गुनाह हुए पिता, जो जानबूझकर हुआ है या अनजान में गलतियाँ हुई पिता, हम माफ करें प्रभु, आप क्षमा करें पिता, क्योंकि पिता हम मानव जाति हैं पिता, हम मनुष्य निर्बल कमजोर होते हैं प्रभु, हम सभी पापों में गुनाहों में व्यभिचार में गिर सकते हैं पिता, हम अपने पापों को गुनाहों को पिता हम सभी मसीह भाई बहन पिता आपके सामने मानते हैं, घुटने टेक के माफ़ी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं पिता, हम सभी के गुनाहों को अधर्मों को माफ़ करें पिता, आप क्षमा करें पिता मेरे पिता, क्योंकि आपके पास अधिकार है मेरे पिता कि आप हम सभी के पापों को गुनाहों को अधर्मों को क्षमा कर सकते हैं पिता, आपने लहू से शुद्ध कर पिता, आपका लहू बहुत ही कीमती पिता, आपने मेरे समय सभी को अपना लहू बाकी हम सभी को मोल खरीदा पिता, पापों का बोझ, गुनाहों का बोझ, बीमारियों का बोझ, इन सारी मानव जाति के पापों का बोझ पिता आप अपने ऊपर ले लिए, कलवरी क्रूस पर चढ़ गए, बलिदान हो गए पिता मेरे प्रभु, इसके लिए पिता आपकी तारीफ करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी जय जयकार करते यीशु पापा, यस हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे पिता, प्रार्थना करते आपके दास होने के नाते, पुत्र होने के नाते पिता, हम इन मसीह भाई के जीवन में पिता आदेश देते पिता, ये मसीह भाई पिता जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो खाट पे पड़े हैं, जो बेड पे पड़े हैं, जो आखिरी सांस ले रहे हैं, बीमारी में हैं, गंभीर घातक खतरनाक बीमारी में लिप्त हैं, जूझ रहे यीशु मसीह आपके नाम से पिता, ये आजाद हो जाए, आजाद हो जाओ बोलकर हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जाओ, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र 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 मेरे पिता, हम विनती करते हैं, दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो इस वक्त पिता इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ प्रभु अपने मोबाइल पे फोन पे पूरे विश्वास के साथ सुन रहे हैं पिता, घुटने टेक के बैठे हैं पिता आपके सामने, पवित्र आत्मा जी आप हर एक जनों को छू ले पिता, ये छूक ले पिता, ये आजाद हो जाए पिता, ये जो कुछ आपसे मांग रहे पिता पवित्र आत्मा यीशु पिता आप इन्हें दीजिए पिता, टच में पवित्र आत्मा, टच में पवित्र आत्मा, छू ले पिता हर एक जनों को, छू ले पिता, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए पिता, हर एक शरापों से, हर एक बंधनों से, हर एक बीमारियों से, हर एक जादू टोना के बंधनों से, हर शैतान के बंधनों से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, हालेलुया मेरे पिता, जिन घरों में दुष्ट आत्माओं के बंधन, हर एक गंदी आत्माओं के बंधन, बद्री चालों के बंधन है यीशु मसीह के नाम से, हर एक करादरा के बंधन, दुष्ट के बंधन यीशु मसीह के नाम से, वे जल जाए, जल जाए वे बंधन, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, वे राख हो जाए यीशु मसीह के नाम से, जला देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हील हो जाओ, आजाद हो जाओ, आमीन बोलकर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, मेरे पिता आपके नाम से दुष्ट आत्मा कांपती, आपके नाम से दुष्ट आत्मा थरथराती मेरे परमेश्वर पिता, उनकी औकात नहीं पिता आपके सामने खड़े रहने की, आपके सामने टिके रहने की पिता, पिता आप हर एक जन को छू ले पिता, इनके घर से वे बंधन टूट जाए, हर एक करादर के बंधन जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, अंधकार की शक्तियाँ जल जाए, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र पवित्र मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जो पिता गरीब है मसीह भवन, जो लाचार है पिता, जो कमा रहे नहीं पिता, जो 100-100, 200 रुपए पर पिता ये अन्य जातियों से मदद ले रहे, उधार ले रहे यीशु राजा पिता, ये किसी अन्य जातियों से पिता उधार ना ले नहीं पाए यीशु पिता, क्योंकि प्रभु ये सब कुछ छोड़ छाड़ के यीशु पापा आपके पीछे आए हैं मेरे पिता, आप इनका जीवन संभालिए पिता, मेरे पिता आपका वचन कहता है प्रभु, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, मेरे पिता पवित्र आत्मा दीजिए यीशु पिता आप इन सभी को, ओ सहायक दीजिए पिता, आपने कहा मैं जा रहा हूँ तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ पिता, आपने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा नहीं मेरे पिता, आपने कहा मेरे पिता अपनी शांति हम सभी के जीवनों में दीजिए, लागू कीजिए पिता, वो शांतियाँ नहीं पाए इनके जीवन में मसीह, वो चेंजिंग वो बदलाव आ नहीं पाए, इनके लाइफ स्टाइल बदल जाए मसीह के नाम से, मेरे पिता उन बहनों के लिए प्रार्थना करते
सकते हैं, जिन बहनों के संतान नहीं होती, बच्चे नहीं होते पिता, इन्हें चाहिए क्या चाहिए? यीशु पिता आप यहोवा जुलावर हैं, पिता आप जानते हैं मेरे स्वामी आप इन्हें क्या चाहिए। पिता जिस प्रकार से यीशु पिता आपने सारा को बच्चे दिए थे इतनी उम्र में पिता, उसी तरह से पिता इन बहनों को संतान दीजिए, इन्हें बच्चे की आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता प्रार्थना करते हैं जो मसीह में रात में नहीं सो पाते पिता, मेरे प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डरना। यीशु पिता इन वचनों की तरह आप हर एक जन की सहायता कर मदद कर पिता। पिता मुझे आशा है विश्वास है प्रभु आपने प्रार्थना को सुना है पिता, ये छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थी मीठे और पावन नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन।